नमस्कार दोस्तों, कोयल से जुड़ी हुई कुछ और जानकारियों के साथ आपके सामने आ चुका हूँ। जो कोयल के बच्चे होते हैं ना, वे बचपन से ही आक्रामक होते हैं और क्रूर होते हैं। जब मादा कोयल कौओं के घर में अपने अंडे दे देती है और बच्चे अंडों से बाहर निकल आते हैं, यदि कोयल के बच्चे अंडों से बाहर आ गए और कौवे के अंडों में से बच्चे बाहर नहीं आए, अंडे रखे हुए हैं, तो ये कोयल के छोटे छोटे ही बच्चे होते हैं। जब तक इनको पर भी नहीं आते, उन अंडों को ये उठा करके अपने आप भी बाहर फेंक देते हैं। यदि कोयल का बच्चा बड़ा हो गया और कौवे का बच्चा अंडे में से ही निकला है, तो ये बच्चे उस बच्चे को नीचे धिका करके गिर देते हैं। इतने क्रूर और आक्रामक होते हैं। कौवों के साथ में बड़े बड़े होते हैं तो छीना झपटी करना इनके व्यवहार में शामिल होता है। कुछ चीजें इस तरह से व्यवहार में शामिल हो जाती है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। इनमें आक्रामकता जन्मजात होती है। एक दूसरे से छीन कर भी खा लेते हैं और छीना झपटी में पहले में के चक्कर में ये बहुत ही ज्यादा आक्रामक हो जाते हैं। साथ साथ कौवों के साथ में ये बड़े बड़े होते हैं, कौवे इनको पालते हैं, बड़ा करते हैं, तो वो आक्रामकता जो होती है कौवों में, उसी को ये देखते हैं, बड़े होते हैं, और वो आक्रामकता इनके खून में समा जाती है एक तरह से। जैसे कहते हैं ना कि इंसान में कोई गुण जन्मजात होता है, उसी प्रकार से जो कोयल होती है, इन कोयलों में आक्रामकता बचपन से समा ही हुई होती है। पीछे हटना ये नहीं सीखते, लड़ाई में पूरा जी जान लगा देते हैं। और मैंने महसूस किया है कभी कभी, ये जैसा मेरी अंगड़ियों को पकड़ते हैं, वो करते हैं, तो हिसाब से ज्यादा देखो, ये बहुत ही ज्यादा सख्त पकड़ते हैं, पता चलता है कि हाँ ताकत है। देखो, देख रहे होगे। और यदि कोई, ये तो मेरी अंगड़ी है, ये इनको पता है कि हमें ये अंगड़ियां हैं, ये खाने को दिखती है, ये प्यार से पकड़ रहा है इसको, तब भी ये लगता है कि हाँ सख्त है। लेकिन यदि कोई जीव इसकी साथ में इस तरह छेड़खानी कर दे, तो आंख फोड़ देगा ठोंग मार मार के उसकी, और कमजोर होगा तो चीर फाड़ कर खा भी सकता है। बहुत आक्रामकता इनमें पाई जाती है। मेरे पास में ये बचपन से है, तो इसलिए मैं बहुत ही मित्रवत व्यवहार इनके साथ में रखता हूँ। एक दिन मैंने इनके साथ में देखा, थोड़ा सा इनका व्यवहार जानने के लिए, ये इतने मित्रवत है, मेरे साथ साथ चले जाएंगे, पीछे पीछे भाग लेते हैं जब इनका खाने का समय होता है। एक दिन मुझे इन्होंने परेशान कर दिया, तो मैंने ये जो दो बच्चे हैं, ये पांच है वैसे तो, लेकिन ये ज्यादा शोर शराबा करे और फिर चिपट जा मेरे, तो कपड़े खराब कर दे, तो इसलिए ये दो ही बैठा रखे मैंने हाथ में। तो इन्हीं दोनों को मैंने धमका दिया, उसका इतना सर पड़ा, दो दिन तक मेरी और ये लफाई भी नहीं। जब मैं इनको खाने के लिए लाता ना सामान, इनको खाने के लिए देता, तो इसके जो तीन और बहन भाई है, वे खाते तो उनके पास भी नहीं आते थे, बगल बैठ जाते थे। ये स्वाभिमान है इनका, कोयलों का बड़ा। फिर मैंने इनको प्यार किया, और भाई मैं तो तुम्हारी जांच परख कर रहा था, मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं था कि मैं आपको ठेस पहुंचाऊं। तो जब जाकर ये बड़े प्यार से मैंने इनको सहलाया, इनको प्यार से उठा के लाया और खिलाया इनको, पहले इन्हीं को खिलाया, तब इनकी समझ में आया कुछ और ये। तब देखो आप, ये जिस तरह से रुस्से को मना लेते हैं, तो तब ये बैठे हैं बड़ी मुश्किल से, मानने हैं बात को कि चल ठीक है। तो ये बहुत ही स्वाभिमानी परिंदे होते हैं दोस्तों। और जानकारियां दूंगा कोयल के बारे में, मेरे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।